हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद AKS। आज के हमारे पेयर ऑफ वर्ड्स है कॉम्प्लेसेंट एंड कॉम्प्लेसेंट। सो द वर्ड कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है टू बी ईगर टू प्लीज समबडी। जैसे आपके ऑफिस में या आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में ऐसे काफी लोग होंगे जो दूसरों को प्लीज करना चाहते हैं, ओके, जिनका खुद का कोई एक स्टैंड नहीं होता, खुद का एक ओपिनियन नहीं होता, वो झुंड में किसी के साथ निकल जाना चाहते हैं, राइट। ऐसे लोगों को कहा जाता है कंप्लेसेंट होना, वन हु इज विलिंग टू प्लीज अदर्स विदाउट प्रोटेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज कॉम्प्लेसेंट एंड वुड गो अलॉन्ग विथ हर फ्रेंड्स प्लान्स। ऑन द कॉन्ट्रेरी, कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है टू बी सेल्फ सेटिस्फाइड बट इन अ लिटिल नेगेटिव वे। व्हाई नेगेटिव वे? सो यू गेट सेल्फ सेटिस्फाइड एंड देन यू डू नॉट पुट एफर्ट्स टू मेंटेन व्हाट यू हैव गॉट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगेन, ऑफिस में या आपके कॉलेज में या आपके स्कूल में ऐसे भी लोग होंगे जो हमेशा ही फर्स्ट आते हैं, जो हमेशा ही अपने काम में अच्छा करते हैं, जो हमेशा ही कॉलेज में टॉपर्स रहते हैं, राइट। बट एक पॉइंट के बाद वो एफर्ट्स डालना कम कर देते हैं। वाई? बिकॉज अभी वो सेल्फ सेटिस्फाइड है कि मैं तो यहाँ का राजा हूँ, या मैं तो हमेशा ही टॉप करता हूँ, या तो मैं तो हमेशा ही अच्छा काम करता हूँ, सो द माई बॉस इज ऑलवेज हैप्पी विथ मी। बट these complacent people, they forget to continue to maintain the hard work or to continue to put the efforts. So self-satisfied ho jate hai and then they lose out on maintaining the standard. So usse hota kya hai? There is no scope for improvement. It is very important to find your own limitations so that आप उसे overcome करें। If you feel that नहीं, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, so आप उसे overcome करने के लिए, आप improve करने, आप खुद को improve करने की कोशिश आप बंद कर देंगे and फिर आप भी complacent हो जाएंगे। For example, he grew complacent after receiving praise for his work. So this is the difference between complacent and complacent. And now it's time for a quick quiz. Please write your answers in the comments below. आपको मिलूंगी मैं एक और वीडियो के साथ।